सब्सक्राइब करें मेरे चैनल द नॉलेज अड्डा को, बेल आइकन प्रेस करें मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका फिर से इस चैनल द नॉलेज अड्डा में फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि सेल के टेक्स्ट के कुछ पोर्शन को हाइड करना। अभी वीडियो नंबर 63 में मैंने आपको बताया था कि सेल के पूरे कंटेंट को आप कैसे हाइड कर सकते हैं। मैंने रो और कॉलम हाइड करने की बात नहीं की थी, सेल के कंटेंट हाइड करने की बात की थी। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि जो भी सेल का कंटेंट गिवेन है उसके कुछ पोर्शन को हाइड करने का। आप मिडिल पोर्शन हाइड करना चाहते हैं या लेफ्ट पोर्शन हाइड करना चाहते हैं या राइट पोर्शन हाइड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने जा रहा हूं कि सेल के कंटेंट के कुछ पोर्शन को हम कैसे हाइड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि किसी भी सेल के कंटेंट को कैसे हम हाइड करते हैं। चलिए मैं दोबारा आपको दिखाता हूं कि जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि सपोज ए सेल के सारे कंटेंट को हमें हाइड करना है, तो बेसिकली जो प्रोसीजर फॉलो करना था, हमें फॉर्मेट सेल पर क्लिक करना था, फिर नंबर के अंदर कस्टम, और यहाँ पे जो आप टाइप देख रहे हैं यहाँ पे हमें 3 times सेमी कॉलम देना था, उसके बाद प्रेस ओके। इस तरह से आपके सारे कंटेंट हाइड हो जाते थे। आज मैं बात कर रहा हूं कि इन जो कंटेंट गिवेन है उसके कुछ पोर्शन को हाइड करने की बात कर रहा हूं। मींस इसमें 2-3 लेफ्ट के डिजिट को मैं हाइड करूं या राइट के डिजिट को हाइड करूं या मिडिल डिजिट हाइड करूं, तो बेसिकली जो भी सेल का कंटेंट है या जो भी सेल का टेक्स्ट है उसके कुछ पोर्शन हाइड करने की आज बात कर रहा हूं, न कि पूरे टेक्स्ट को हाइड करने की बात होगी। तो कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में आपको ये दिखाने जा रहा हूं। सपोज इसके कुछ पोर्शन को मुझे हाइड करना है, आज के 4 numbers आपको हाइड करने हैं या 3 numbers हाइड करने हैं, 2 numbers, आप पे डिपेंड करता है कि कैसे हाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है इक्वल टू लेफ्ट, यहां पर हम पास करेंगे टेक्स्ट। हमारा क्या है, सेल ए के कंटेंट मींस A1 5, हमें 4 digits हाइड करना है। इसके बाद आएगा एंड साइन, इसके बाद डबल कोट के अंदर जिससे आप रिप्लेस करना चाहते हैं। सपोज आपको स्टार से रिप्लेस करना है, यहां पे आप स्टार दे दीजिए। इससे क्या हुआ कि आप देख सकते हैं कि आपके जो लास्ट के 3 digits हैं, मतलब हमने लास्ट के लेफ्ट 5 digits के अलावा जितने भी डिजिट हैं उसको हमने हाइड किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाइट हो चुका है। इसको अगर नीचे एक्सपेंड कर दें, इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो भी कुछ पोर्शन इस टेक्स्ट के हाइट हो चुके हैं। अगर हमें कुछ मिडिल के पोर्शन हाइट करने हैं तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूले में आपको। लेफ्ट A1, चलिए मिडिल 3 करते हैं हाइट 3, सेम फॉर्मूला एंड इसमें हमने दे दिया को, हमने यहां पर दे दिया चलिए 4 digits, फिर एंड साइन, फिर जो हमें हाइट करना है राइट A1, तो आप देख सकते हैं कि मिडिल कुछ मिडिल के टेक्स इस तरह से हाइड हो चुके हैं। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को फॉलो करके आप लास्ट के कुछ टेक्स या नंबर की वैल्यू हाइड कर सकते हैं, स्टार्टिंग का भी कर सकते हैं और 20 के भी टेक्स को आप इस डायरेक्शन में हाइड कर सकते हैं। अब आप बात करते हैं कि भाई हमने हाइड तो कर दिया, या तो हमें कॉलम ए को डिलीट करना पड़ेगा या तो कुछ और तरीका निकालना पड़ेगा ताकि जो भी यूजर है जिसको हम ये भेज रहे हैं वो एटलीस्ट ना देख पाए कि ए में क्या था जिसकी वजह से बी और सी की वैल्यू चेंज हुई है। तो इसके लिए सबसे सिंपल है जो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इस सेल की वैल्यू को आप हाइड करो। सेम प्रोसीजर फॉलो, यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया कस्टम, तो यहाँ पे जनरल में तो जो भी यूजर होगा, जो भी यूजर, उसको कुछ नहीं पता चलेगा कि वैल्यू आई कहां से, आपने किस टेक्स्ट को हाइड किया है।
तो बेसिकली ये सिंपल प्रोसीजर है किसी भी सेल के कंटेंट के कुछ पोर्शन को या कुछ टेक्स्ट को हाइड करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।